भारतीय मजदूर संघ की पिछले दिनों हुई दो दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भिलाई इस्पात मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवल्लू को बीएसपी के ठेका प्रकोष्ठ का संयोजक नियुक्त किया गया। मंगलवार शाम बीएमएस कार्यालय सेक्टर 5 में संघ के पदाधिकारियों सदस्यों द्वारा चन्ना केशवल्लू का सम्मान किया गया। भिलाई इस्पात मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष चन्ना केशवल्लू को बीएमएस के प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा बीएसपी के ठेका प्रकोष्ठ का संयोजक बनाए जाने पर भिलाई इस्पात मजदूर संघ के सदस्यों में हर्ष व्याप्त है। संयोजक बनाए जाने के पश्चात भिलाई इस्पात मजदूर संघ के पदाधिकारियों सदस्यों की बैठक सेक्टर 5 स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। यहां चन्ना केशवल्लू का पुष्पहार से स्वागत कर सभी का मुंह मीठा कराया गया। स्वागत पश्चात श्रमिकों की समस्याओं उसके निराकरण को लेकर 22 फरवरी को प्रदेश स्तर पर आयोजित महाधरने में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने चर्चा की गई। चन्ना केशवल्लू ने कहा कि पूर्व में बीएमएस ठेका श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण को लेकर संघर्षरत रही है। श्रमिकों की समस्याओं को मैनेजमेंट के सामने रखकर उसके निराकरण के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जाएगा। ठेका प्रकोष्ठ के संयोजक चन्ना केशवल्लू और भिलाई इस्पात मजदूर संघ के महामंत्री रविशंकर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 21 जनवरी और 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक जो है भिलाई महाराष्ट्र मंडल में आयोजित की गई थी, उसी के संदर्भ में जो है आज हमारी भिलाई इस्पात मजदूर संघ का जो है बैठक रखा गया है। भिलाई इस्पात मजदूर संघ के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो है हमारी कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश की जो थी उसको सफल किया। उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया गया और इस कार्यकारिणी में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र में आज के डेट में जो है लगभग 13,000 नियमित कर्मचारी और 30,000 ठेका श्रमिक कार्य करते हैं, उसको देखते हुए प्रदेश भारतीय मजदूर संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया गया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका मजदूरों का समस्या और उनकी सदस्यता भिलाई इस्पात मजदूर संघ द्वारा देखा जाएगा और इसके लिए हमारे यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष चिन्ना केशवल्लू जी को संयोजक नियुक्त किया गया है। उनकी देखरेख में जो है ठेका श्रमिकों की सदस्यता और उनकी समस्याओं का जो है निराकरण किया जाएगा। बहरहाल बैठक में भिलाई इस्पात मजदूर संघ के अध्यक्ष आईपी मिश्रा सहित सभी पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में सदस्य उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।